हेलो ट्रेडर, मैं हूं आर्यन पाल। बूम ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के हाई डिमांड पर मैं ऑप्शन सेलिंग का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज में हम एपिसोड बाय एपिसोड सीखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग करते कैसे हैं और ऑप्शन सेलिंग के बेस्ट स्ट्रेटजी इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में सबसे पहले हम अंतर क्या है इसको जानेंगे, ताकि आप समझ पाओ कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। कब आपको ऑप्शन बाइंग करना है, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, जब ये दोनों में अंतर समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले है कि 30% चांस ऐसा रहता है कि ऑप्शन बायर मार्केट में जीतेगा, 70% चांस ऐसा रहता है कि ऑप्शन सेलर मार्केट में जीतेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ 30% ही ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है। अगर आप चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे चार्ट को उठा करके, तो आप वहां पर पाएंगे कि सिर्फ 30% चांस ऐसा है कि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, बाकी टाइम मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को फायदा होता है वहां पर, इसलिए वो 70% चांस है कि वो जीतेगा मार्केट में। दूसरा है मोमेंटम। ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम में पैसा मिलता है। अगर मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में तब तक बने रहना है, जहां पर मोमेंटम लूज किया आप वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। अगर आपने साइडवेज मार्केट में अगर एंट्री ले लिया तो ऑप्शन बायर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहीं जो ऑप्शन सेलर है वो चाहे साइडवेज मार्केट हो चाहे उसके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो, मतलब कि ट्रेंडिंग मार्केट हो, दोनों में ही उसको फायदा होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, मार्केट एक रेंज में फंस गया। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बाय किया, कॉल या पुट बाय किया, मार्केट एक रेंज में फंस गया, इसमें ऑप्शन जो बायर होगा उसको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, मतलब उसका जो प्रीमियम जो दिया रहेगा उसका डीके होगा। ठीक है, डीके की वजह से उसको लॉस होगा। वहीं जो ऑप्शन सेलर है वो साइडवेज मार्केट में भी एंट्री लेगा तो प्रीमियम डीके की वजह से उसको फायदा होगा, और प्लस अगर उसने अगर पुट को सेल किया, अगर वो बुलिश है, अगर उसके डायरेक्शन मार्केट जाने लगा तो उसके भी उसको फायदा होगा, मतलब कि अगर उसके ट्रेंड में भी मार्केट जाए, ठीक है, ट्रेंड में भी मार्केट जाए या फिर साइडवेज रहे, दोनों केस में उसको फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि कैपिटल 10 से 15 हज़ार एक लॉट में ऑप्शन बाइंग करने में लग जाता है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अपनी निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो 10 से 15 हज़ार के आसपास आपको एक लॉट में मिल जाता है। ठीक है, 10 से 15 हज़ार में एक लॉट मिल जाता है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जा रहे हैं तो एक लॉट को सेल करने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपये लगते हैं। ठीक है, तो अब ये कैपिटल ज़्यादा क्यों लगता है सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में आपको कैपिटल कम क्यों लगता है, अभी आगे इसको आप डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो ऑप्शन सेलर होता है वो बड़े प्लेयर होते हैं। ठीक है, ये पागल नहीं है कि एक लॉट का, ओनली एक लॉट का 1.5 से 2 लाख रुपए दे रहे हैं मार्केट में, और वही ऑप्शन बायर जो है एक लॉट का 10 से 15 हज़ार दे रहे हैं। अगर ये 1 से 1.5 लाख दे रहा है, सेल कर रहा है ऑप्शन को, इसका मतलब ये लोग बड़े प्लेयर हैं और इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि मार्केट के ट्रेंड को ये चेंज कर सकते हैं। इनके पास एक स्पेशल टीम होती है, अच्छी एनालिसिस होती है, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर पता होता है, सब कुछ इनके पास होता है, इसलिए हमें मार्केट में हमेशा बड़े प्लेयर को फॉलो करना है। अब इनको हम फॉलो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर डिटेल में कोर्स बना रखा है। ठीक है, आप विजिट करिए हमारे चैनल पे या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको पहले देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि बड़े प्लेयर जो ऑप्शन सेलर हैं वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, ताकि हम इनको फॉलो कर पाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बाइंग में रिस्क कितना है, तो देखिए जो रिस्क है वो लिमिटेड रिस्क है आपका, मतलब जो जितना आपने कैपिटल दिया है इतना ही आपका पैसा रिस्क पर रहेगा, और ऑप्शन सेलिंग में इसमें रिस्क अनलिमिटेड है, मतलब आपका बड़ा कैपिटल लगा हुआ है तो आपका बड़ा रिस्क है यहाँ पर। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड रहता है, मतलब अगर आपने 50 में बाई किया है तो ये 50 का 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, ठीक है, 1000 भी हो सकता है, समझ गए। वहीं अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है 120 के, ठीक है, प्रीमियम पे, तो अब आपको 120 के अंदर में ही आपको कमाना है, मतलब कि 120 से 110 होगा, 50 पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा, मतलब इसके अंदर में ही आपको प्रॉफिट होगा। जितना प्रीमियम कम होगा, मतलब आपने सेल किया है, जितना प्रीमियम कम होगा उसके अंदर में ही आपको प्रॉफिट होगा।
तो मतलब प्रॉफिट उसमें लिमिटेड है, इसीलिए लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में जो बिगनर होते हैं ठीक है वो बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको इसके अंदर में ही मिलेगा प्रॉफिट, मतलब 120 से कम होगा तो ज़्यादा 120 तक ही आएगा, जीरो हो जाएगा, ये 120 मिलेगा हमें तो क्या मतलब है, हम क्या करते हैं जीरो से हीरो बन जाते हैं ठीक है, कम पैसे में ऑप्शन बाई करते हैं और 50 का वो 500,000 होने वाला है। तो इस चक्कर में वो उनको पता ही नहीं रहता है कि आखिर कब मोमेंटम आने वाला है, कब हमें एंट्री लेना है ऑप्शन बाइंग में ठीक है, ये उनको पता नहीं रहता है। जब साइडवेज मार्केट में लॉन्च कर जाएंगे, जब मार्केट मोमेंटम देगा तो उनके पास कैपिटल नहीं रहेगा और मार्केट को देखते रह जाते हैं। तो ऑप्शन बायर में पैसा बहुत है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का ठीक है। लोगों को क्या लगता है ना कि एक ही दिन में 4-5 ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, जबकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो महीने में 4-5 लेते हैं ठीक है, एक महीने में 4-5 बार एंट्री लिए, मोमेंटम को ट्रेड किए, प्रॉफिट बनाए। तो अपने को इस मार्केट का इंतजार करना है जो कि 4-5 बार मोमेंटम आता है तभी हमें ऑप्शन बाइंग करना है ठीक है। बाकी मार्केट में अगर मार्केट साइडवेज है तो हम वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर देंगे। तो दोनों आप ऑप्शन बायर भी बन सकते हैं, ऑप्शन सेलर भी बन सकते हैं। अब आगे आते हैं कि इसमें होता है टाइम ठीक है। टाइम जो होता है ऑप्शन बाइंग में वही आपके अगेंस्ट चलता है, मतलब ऑप्शन सेलिंग में टाइम आपके साथ चलता है, जिसके साथ टाइम रहेगा वो ज़्यादा बलवान रहेगा, समझ गए। तो मतलब अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है, मान लीजिए कि निफ्टी जो है या फिर बैंक निफ्टी जो है अभी 42,500 पे है, तो 42,500 का आपने सी ले लिया, इसके बाद मार्केट अगर रेंज में घूम गया ठीक है, अपने रेंज में घूम गया, अब रेंज में घूम गया है तो आपने अगर 200 के प्रीमियम पे बाई किया है 42,500 का सी, तो इस जोन में इसका प्रीमियम घटना चालू हो जाएगा, 200 से 150, 100, 80 इस तरीके से घटना चालू हो जाएगा, मतलब अगर ऊपर नहीं गया यहीं पर टाइम बिता दिया तो आपका प्रीमियम घट जाएगा, मतलब टाइम आपके अगेंस्ट चलता है ठीक है। अगर आपने 42,500 का सी बाई किया है तो तुरंत मार्केट को ऊपर जाना चाहिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा ठीक है। तो मतलब कि फास्ट होना चाहिए मोमेंटम, तभी आपको प्रॉफिट होगा, इतना क्लियर हो गया। और ऑप्शन सेलिंग में टाइम आपके साथ चलता है ठीक है, आपके साथ हो गया टाइम और प्लस आपका ट्रेंड, जिस ट्रेंड में आप डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, ये दोनों आपके साथ रहता है, इसीलिए 70% चांस रहता है कि ऑप्शन सेलर मार्केट में जीतेगा। चलिए अब आगे सीखते हैं हम लोग कि कम पैसे से ऑप्शन सेलिंग कैसे करें, कम पैसे से ऑप्शन सेलिंग कैसे करें। मान लीजिए आपके पास बड़ा पैसा नहीं है तो हम कुछ यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि कम पैसे से ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे ठीक है। तो चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको ठीक है, वहाँ पर जीरोधा पे ले चलते हैं, वहाँ पर आपको लाइव हम वहाँ पर कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग करके दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ठीक है, ये आज का ट्रेड है, आज हमारा डेट है 17 नवंबर है ठीक है, 17 नवंबर का है आज अपना एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हम कम पैसे में कैसे करेंगे ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा वॉच लिस्ट ऑर्डर ठीक है, ये दिखेगा, ये टूल्स दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है टूल्स पर, किस पे आना है आपको टूल्स पे आना है। अब मान लीजिए ठीक है कि आपको अगर बुलिश है, अगर आप बुलिश हैं तो आप क्या करेंगे ठीक है, अगर आप बुलिश हैं तो क्या करेंगे, ऑप्शन बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर क्या करेगा अगर बुलिश है ठीक है, जो ऑप्शन बाई करेगा वो सी बाई करेगा, वही अगर ऑप्शन जो सेल करेगा वो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा ठीक है, पुट को सेल करेगा तभी हम बुलिश रहेंगे। अगर ऑप्शन बायर है तो कॉल को बाई करेगा, अगर बुलिश मार्केट उसको लग रहा है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो पुट को सेल करेंगे, समझ गए। वहीं अगर आप ऑप्शन ठीक है, वहीं अगर आप बेयरिश हैं तो क्या करेंगे, और वहीं अगर आप बेयरिश हैं तो क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, अगर ऑप्शन सेलर हैं तो सी को सेल करेंगे, समझ गए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग का। तो चलिए मान लीजिए कि हम बुलिश हैं मार्केट में ठीक है, हम क्या हैं बुलिश हैं, तो हमको क्या करना है कि पुट को सेल करना है, समझ गए, हमको क्या करना है पुट को सेल करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है टूल्स में ठीक है, टूल्स में आना है आपको। चलिए हम आ जाते हैं टूल्स में, टूल्स में आ गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि न्यू बास्केट ठीक है, आपको एक बास्केट क्रिएट करना है, क्या करना है बास्केट क्रिएट करना है। यहाँ पर चलिए नाम देते हैं कि चलो आज हम टेस्ट कर रहे हैं ठीक है, आपको सिखाने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, सी बाई कर रहे हैं, आप बुलिश हैं तो बुलिश लिख दीजिए, बेरिश हैं तो बेरिश लिख दीजिए, या फिर आप सी को सेल कर रहे हैं फिर बी को सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर दीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम हैं ठीक है, अब दोनों एग्जांपल दिखाएंगे आपको, बुलिश का भी बेरिश का भी। चलिए पहले मान लीजिए बुलिश हैं हम
ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए बुलिश हैं, तो बुलिश हैं तो आप क्या करोगे, पुट को सेल करोगे, ठीक है, पुट को सेल करोगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रहा है, मान लीजिए कि 42,000, ठीक है, 42,524, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ चल रहा है, या फिर निफ्टी जो है 18,393 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, एक चीज़ और आपको सीखना है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो अगर ऑप्शन बाइंग करना है आपको, तो आपको ITM, ठीक है, ITM, इन द मनी या फिर एट द मनी का ऑप्शन बाई करना है। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपको OTM, ठीक है, आपको आउट ऑफ द मनी का सेल करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको DK का फायदा मिलेगा। मतलब आउट ऑफ द मनी मतलब क्या होता है, अभी ऊपर जाना बाकी है मार्केटों को। अगर आप बुलिश हैं, ठीक है, अगर आपको सी बाई करना है, फिर पुट को सेल करना है, ठीक है, पुट को सेल करेंगे जब हम बुलिश रहेंगे, सी को बाई करेंगे ये ऑप्शन बाई के लिए जब बुलिश रहेगा। तो OTM मतलब ऊपर जाना बाकी है मार्केट को, अब वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर टाइम बिता देगा तो आपको टाइम का फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा OTM के स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आप वहाँ पर एट द मनी ATM या फिर ITM, ठीक है, इन द मनी का भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब ये ITM OTM क्या है मैंने बता दिया। तो जैसे मान लीजिए अभी 42,528 पे चल रहा है, ठीक है, नीचे क्या रहेगा, 42,400, ठीक है, 42,300, ऊपर क्या रहेगा, 42,600, ठीक है, 42,700, ठीक है। तो अगर आप बुलिश हैं तो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस आपके लिए OTM हो जाएंगे, ये आपके लिए हो जाएगा एट द मनी, आपके लिए क्या हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा, ATM हो जाएगा। ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, सारे OTM हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी। नीचे वाले क्या हो जाएंगे, ITM हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर आप बुलिश हैं तो, ठीक है, अगर आप बुलिश हैं तो इसके लिए आप OTM, ATM, ITM। वहीं अगर मान लीजिए आप बेरिश हैं, ठीक है, आप बेरिश हैं तो क्या हो जाएगा, और यहाँ बेरिश हैं, मान लीजिए आपको नीचे आना है, तो ये तो ATM ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा OTM, आउट ऑफ द मनी, मतलब मार्केट को अभी नीचे जाना बाकी है, इसलिए आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। अब ये हमारे लिए हो जाएगा ITM, इन द मनी, समझ गए, अगर हम क्या हैं, बेरिश हैं तो। इस तरीके से हम इन द मनी, एट द मनी और जो है आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हमको समझ में आता है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से बुलिश हैं तो हमको ऑप्शन सेल करना है, कम पैसे में सेल करना है, तो हम क्या करेंगे कि OTM के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बुलिश हैं तो हम क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे, ठीक है, हम बुलिश हैं तो क्या करेंगे, PE को सेल करेंगे। चलिए, अब PE को सेल करना है हमें, तो हमारे लिए OTM क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी 42,500 पे है, ठीक है, अब नीचे हमारे लिए क्या हो जाएगा, 42,400, 42,300, तो OTM के स्ट्राइक प्राइस ये हो जाएंगे। अब इन्हीं स्ट्राइक प्राइस को हमको सेल कर देना है, समझ गए। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पर बास्केट में, ठीक है, हमने बनाया टेस्ट के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमें 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 सेल करना है, मतलब हम बुलिश हैं तो हमें सेल करना है पुट। तो चलिए 42,400 का हमें यहाँ पर पुट है, ठीक है, इसको पुट लिया, इसको एड सेल में कर देते हैं। कितने कर देते हैं, यहाँ पर 42,400 के पुट को अगर सेल करेंगे तो एड सेल में करेंगे, ठीक है, आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम कम है, ठीक है, इसको इंट्राडे में रखना है, यहाँ पर एक लॉट हमें सेल करना है। तो यहाँ पर कितना मांग रहा है एक लॉट सेल करने के लिए आपको, यहाँ आप देख रहे हैं 151,925 रुपये, ठीक है। अब इतना पैसा नहीं है, हमें कम पैसे में करना है, तो कैसे करना है, पहले इसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। चलिए, ऐड हो गया। अब आपने एक पुट सेल किया है तो आपको एक पुट बाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा OTM जाकर के एक और पुट बाई कर लीजिए, जैसे कि हम 42,200 का ले लेते हैं, ठीक है, 42,200 का पुट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 4 रुपये का है, इसको बाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक लॉट बाई कर लेते हैं, ये इसको ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको सिर्फ 26,000 में आप एक लॉट सेल करेंगे, ठीक है। अब आपको फायदा कितने में होगा, ये 18 रुपये जो जीरो होगा, ठीक है, और ये 4 रुपये मान लीजिए जीरो हो जाएगा, तो टोटल आपको 14 रुपये का फायदा होगा, ठीक है, 14 रुपये का आपको प्रीमियम मिलेगा अगर ये सब जीरो हो गया तो। तो इस तरीके से अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये वाला जो हम करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट के लिए, हम एक दूर का बाई करते हैं, अगर हम जिसको सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, पुट सेल कर रहे हैं, तो हमें एक दूर का पुट बाई करना है। अब कितना दूर का बाई करना है, इसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कि जैसे आप सेल कर रहे हैं तो मतलब 5 रुपये है, 10 रुपये है, 12 रुपये है, 20 रुपये है, ठीक है, 30 रुपये है, तो आपके हिसाब से देख सकते हो कि
कौन से का मतलब कि स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कम है उसको भी हम ऐड कर देंगे ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। आइए अगर मान लो इसको हटा देते हैं, चलो इसको हटा करके इसको यहाँ पर इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो अभी हमको मांग रहा है 151,000। चलिए मान लीजिए अब हम 42,000, ठीक है 42,300 का पुट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 7 रुपये का है, इसको अगर बाई करेंगे तो थोड़ा सा हमको और कम पैसे में हो जाएगा। देखिए पहले 26,000 मांग रहा था, अब 24,000। तो आपके कितने पास कैपिटल है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप दूर का बाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर 42,200 का पुट बाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हमारे पास है तो हम यहाँ पर बाई कर लेते हैं और ये इसको ऐसा कर दिया। याद रखना आपको दोनों में इंट्राडे में ही रखना है। ठीक है, इंट्राडे में ही रखना है तभी आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, इसमें करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें ही रखना है आपको। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, अब ये हो गया। अब फाइनल जो मार्जिन है हमारा मांग रहा है 26,483 के आसपास। अब इसको सेल करना है, हमें हम बुलिश हैं तो हमको सेल करना है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, अभी ये जो बता रहा हूँ सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए, ठीक है, तो आपको एग्जीक्यूट करना है, दोनों दिखाएंगे, पुट सेल करके भी कॉल सेल करके भी। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट क्या करना है, ऐसे एग्जीक्यूट कर देना है। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा एग्जीक्यूट और मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो हमने सेल किया है ये यहाँ पर चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, जो हमने बाई किया है ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा। अब आपको ठीक है, मान लीजिए आपको फायदा हो रहा है, आपको ट्रेड से निकलना है, तो सबसे पहले जो आप सेल किए हैं, ठीक है, जो सेल किए हैं उसको आप ठीक है एग्जिट करेंगे, उसके बाद फिर आकर के इसको एग्जिट करना है आपको। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर आते हैं, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। इस तरीके से आपको एग्जिट कर देना है जो सेल किए हैं सबसे पहले, उसके बाद जो बाई किए हैं उसको फिर एग्जिट करना है आपको, इस तरीके से आपको एग्जिट कर देना है। ये हो गया आपका। अब चलिए आपको सी सेल करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट सी। ठीक है, सी सेल करके दिखाते हैं। अब यहीं पर आते हैं, मान लीजिए 42,500 चल रहा है, यहाँ से हम बियरिस हैं, जब बियरिस रहेंगे तो सी को सेल करेंगे। अब सी को सेल करेंगे मतलब कि आउट ऑफ द मनी, जैसे 42,600 हमारे लिए OTM हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे 42,600। ठीक है, इसको सी को हम क्या करेंगे, ऐड सेल पे करेंगे। एक क्वांटिटी अगर सेल करेंगे तो 153,000 मांग रहा है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 153,000 मांग रहा है। अब फिर से हमें एक सी बाई करना है दूर का, जैसे मान लीजिए हम 42,800 का सी लेते हैं, देखते हैं कि कितने में मिल रहा है, 3 रुपये में। चलिए इसको ही बाई कर लेते हैं। ठीक है, बाई कर लिया, इस तरीके से ऐड हो गया। ठीक है, अब टोटल मार्जिन कितना मांग रहा है, 26,000। इसको भी डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले जो सेल किए रहेंगे उसको एग्जिट करना है जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, उसके बाद इसको एग्जिट करना है जब आपको निकलना होगा। ठीक है, अगर इसको पहले एग्जिट कर देंगे तो आपको मैसेज आना चालू हो जाएगा कि ठीक है मार्जिन मार्जिन रिक्वायर मार्जिन रिक्वायर मार्जिन, इस तरीके से मैसेज आना चालू हो जाएगा, मार्जिन शॉर्टफॉल उस तरीके से। ठीक है, समझ गए। अब यही आपको करना है कि आपको अगर कम पैसे में सेलिंग करना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। इस तरीके से आप एक्सपायरी वाले दिन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन अच्छा कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर मान लीजिए 50,000 रुपये है तो आप यहाँ पर 50 क्वांटिटी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 50 क्वांटिटी। ठीक है, 50 क्वांटिटी लिखते हैं, इसको मॉडिफाई कर देंगे। इसके बाद इसको भी हमें 50 करना पड़ेगा, दोनों सेम रखना पड़ेगा, याद रखना इसको, दोनों सेम रखेंगे हम, इसको भी मॉडिफाई कर देंगे। तो अब देखिए दो लॉट हम क्या कर रहे हैं, 3,66,000 मांग रहा है लेकिन हम 53,000 में सेल कर पा रहे हैं दो लॉट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब ये जो दूर का एक हमें बाई करते हैं ये मार्जिन बेनिफिट के लिए है। आपको जो सेल करेंगे एक दूर का बाई करना ही पड़ेगा। दूर का कितना बाई करेंगे आप देखो वहाँ पर, जैसे कभी आज एक्सपायरी है तो सस्ता मिल रहा है, अगर फ्राइडे को मंडे को सेल कर रहे हैं थोड़ा सा और OTM जाना पड़ेगा जिसका 15 रुपये 20 रुपये, ठीक है 30 रुपये, ज़्यादा 30 रुपये इसके आसपास का प्रीमियम है, उसको आप ले लो, उठा लोगे तो आपको कम मार्जिन मिलेगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम ऑप्शन ठीक है सेल कर सकते हैं। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ठीक है मार्केट में एक लॉट सेल किया था जो कि आज का प्रॉफिट है, 42,500 के सी को सेल किया। इसके बाद इसको सेल करने के लिए एक सी हमें बाई भी करना पड़ेगा जिसमें आपको यहाँ पर लॉस भी दिखेगा। ठीक है, उसमें मान लीजिए एक सी कौन सा बाई किए हैं, 42,800 का सी बाई किए हैं। ठीक है, 42,800 का सी बाई किए हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा आपको और कम पैसे में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं।
तो आज का जो हमारा पहला एपिसोड है, हमने ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में अंतर सीखा और कम पैसे से कैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसको हमने सीखा। सबसे पहले आपको बनाना है बास्केट। बास्केट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, एक कॉल एक पुट ऐड करना है। आपको एक कॉल और एक, ठीक है, एक कॉल अगर सेल कर रहे हैं तो उसको सेल करना है और एक कॉल खरीदना है। अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो पुट ऐड करिए, एक पुट बाय कर लीजिए। इसके बाद सिंपल यहां पर आकर के इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। निकलना है तो सबसे पहले जो सेल किए हैं उससे निकलना पड़ेगा, फिर उससे निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या सीखने वाले हैं उसको समझते हैं, ठीक है। हमारा पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हम एपिसोड 2 में सीखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, चार्ट पर हम टेक्निकल एनालिसिस करके कब एंट्री लेंगे, ठीक है, कब हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, कितना टारगेट होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसको सीखेंगे। मतलब एंट्री सीखेंगे चार्ट पर एनालिसिस करके, ठीक है, स्टॉप लॉस सीखेंगे और टारगेट सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा एपिसोड होगा उस एपिसोड में हम सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग के कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।